महापौर ने बजट 2019-20 के दौरान बताया कि एनजीओ के सदस्य अब घर से निकलने वाला सूखा कचरा खरीदना शुरू कर रहे हैं। अगर घर में ही खाद बनाने लगे तो उन्हें कचरा कलेक्शन शुल्क नहीं लगेगा। आगामी एक माह में 10 से 20 कॉलोनी ऐसी होगी जहां से निकलने वाले कचरे का निपटान कॉलोनी में ही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग, हेरिटेज कन्वर्जेशन इस परिषद की उपलब्धि रही है। महापौर ने कहा कि नगर निगम के साथ शहर की जनता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग दिया है, तोड़फोड़ के साथ दिया है, लिहाजा टीडीआर सर्टिफिकेट ऐसे लोगों को दिया जाएगा। मेयर वाइनीगोड ने आगामी निगम चुनाव को देखते हुए इस बात कोई नया टैक्स शहरवासियों पर नहीं लादा है। निगम नए के साथ ही पुराने कामों को आगे बढ़ाएगा। स्मार्ट सिटी के पुराने कामों को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निगम का लक्ष्य है 2020 तक कम से कम कचरा उत्पन्न करने का है। 4000 से अधिक घरों पर सूखे कचरों को रोकने के लिए बड़े बैग उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं निगम एनजीओ के जरिए 2.5 से 3 रुपए प्रति किलो कचरा खरीद रहा है। निगम हर घर को 70 से 100 रुपए महीना कचरा बेचने देगा। सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने का तकनीकी परीक्षण करवाया गया है। परियोजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आ रही है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड लाने एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतारे जाने से जहां इंदौर नगर काम किए हैं वे इंदौर शहर की खुशियों एवं इंदौर का मान सम्मान बढ़ाने का वाले हैं। माननीय सभापति जी, इस परिषद ने वह काम कर दिखाया है जो देश के किसी भी समाधान किए गए और टैक्स के बारे में क्या इस वर्ष का अनुशंसित बजट करीब 5,647 करोड़ 18,10,000 रुपये का है। अनुमानित आय प्रस्तावित की गई है 5,574 करोड़ 40,68,000 रुपये के अनुमानित व्यय प्रस्तावित किए गए हैं। नियम के अनुसार 5% रक्षित राशि शामिल करते हुए कुल घाटा 96,79,56,000 रुपये अनुमानित है। ये बजट बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा बजट है, सभी को सुख देने वाला है और ये मेरे कार्यकाल का शायद अंतिम बजट है। और इसमें हमने 4 साल से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया था, इस वर्ष भी हम टैक्स नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार का बजट बहुत ही खोखला रहा, जो पिछले 4 साल महापौर जी ने घोषणाएं कही सेम एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही उन्होंने बजट पेश किया है और वही काम को नहीं कर पाए जो 4 साल से घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक दिखावे का और खोखला बजट है। महापौर जी पिछले 4 साल से यही बातें दोहराती आ रही हैं जो उन्होंने आज दोहराई है।